जी को लोकसभा में निकम्मा कहा, अटल जी ने भ्रष्टाचार का आरोप अटल जी पर लगाया और एक कांग्रेसी झूठे नंबर एक के मित्रों और एक झूठ के प्रोपोगंडा के अटल जब अटल जी बिस्तर पर लेटे भी खड़े नहीं हो पाए। लेकिन एक बेटा उनका, एक उनके परिवार का सदस्य, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला और किसान का बेटा, अपना बेटा, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री बनते मित्रों पहला काम उन्होंने किया हिंदुस्तान के छोटे मझले किसानों का बैंक का अकाउंट खुलवाया। जो राजीव गांधी कहे करते थे मित्रों कि एक रुपया जाएगा 15 पैसा पहुंचेगा, वो जानते थे कि रुपया बिचौलिया लूटते हैं और कांग्रेस सपा बसपा के दलाल लूटते हैं, जो खड़ा कर दिया था मित्रों। इसलिए उन्होंने अकाउंट खुलवाया। खोलने के बाद उन्होंने काम क्या किया, जो गरीब है, जो शोषित किसान है, जो वंचित किसान है, जो गांव का गरीब किसान है, वो सभी गरीब किसानों का उनको बहकाया करते थे कि किसान कौवा कान लेके उड़ गया और वो बच्चा अपना कान नहीं देखता था, वो देखता था कौवे को, ढूंढता था कि कौन कान लेके उड़। किसानों के ऊपर गोलियां चलती थी किसके लिए, केवल खाद के लिए। कौन सा खाद? यूरिया खाद। सपा बसपा कांग्रेस के बिचौलिया दलाल नेपाल भेज देते थे, ट्रक के ट्रक सील कर ले उठा लेते थे, रेलवे स्टेशन पर बोगी के बोगी चले जाते थे मित्रों। आदरणीय मोदी जी ने यूरिया में नीम कोटेड कर दिया। प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अश्विन अश्विनी कुमार जी, साथियों हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी, साथियों उपस्थित यहाँ पे निर्मला पासवान जी, अनामिका चौधरी जी, प्रदेश मंत्री अमरनाथ यादव। धन्यवाद सांसद महोदय। अब अगले क्रम में हम काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हम लोगों का बजावे। पीछे नहीं बज रही है, पीछे बजाइए। बहुत अभिनंदन करते हुए मंच पर आसीन हम सब के लोकप्रिय सांसद केसरी देवी पटेल जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी, विधायक प्रवीण पटेल जी, हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ यादव जी, अधीश गुप्ता जी, हमारे निर्मला पासवान जी, अनामिका चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष कन्हैया जी, तमाम रमेश जी, नवाबगंज की धरती से तमाम किसान भाई यहाँ पर आए हैं। आप सबका मैं स्वागत करते हुए आपकी तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का और काशी प्रांत के अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुधार जी। अब हम लोगों के बीच में हमारे सांसद महोदय, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए तमाम विकास के सुधार हुए हैं जिनके संबंध में चर्चा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करते किसानों को, और जिन किसानों को आपने पुरस्कृत करने का काम किया है उन किसानों में हमारे भी विधानसभा प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अश्विन अश्विनी कुमार जी, साथियों हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए तमाम विकास के सुधार हुए हैं जिनके संबंध में चर्चा माननीय प्रदेश अध्यक्ष